दोस्तों फिर स्वागत है आपका अपने चैनल नॉलेज गुरु में। आइए एक नजर डॉल्ट है आज की मजेदार और प्रमुख खबरों पर। एक, राजस्थान का मामला फिर एससी में। स्पीकर ने हाईकोर्ट के पायलट खेमे पर कार्रवाई रोकने के फैसले को दी चुनौती। दो, राजस्थान विधानसभा के स्पीकर ने हाईकोर्ट के 19 विधायकों की अयोग्यता पर फैसला लेने पर रोक लगाने को चुनौती दी। तीन, नेपोटिज्म से गर्लफ्रेंड पर शिफ्ट हुआ सुशांत सिंह सुसाइड केस, अब सीबीआई के जरिए सियासत। चार, मध्य प्रदेश में सैलरी और डीए नहीं मिलने से कर्मचारियों में बड़ा असंतोष। पांच, कोविड-19, उत्तराखंड में आज फिर फूटा कोरोना बम, 279 मरीज मिलने से 6,866 हुए संक्रमित। छह, सुरेश रैना बोले ये खिलाड़ी है भारतीय टीम का अगला एमएस धोनी, कप्तानी में किया है कमाल। रैना ने किसी और का नहीं बल्कि दिग्गज सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा का नाम लिया है। सात, 15 दिन में सिंधिया बनेंगे मुख्यमंत्री। नेताजी की जुबान फिसली, कांग्रेस ने कसा तंज। पहले भी फिसल चुकी है सिलावट की जुबान। आठ, सोना ने बनाया नया रिकॉर्ड, 52,435 पहुंचे दाम, चांदी 8 सालों के उच्चतम स्तर पर। चांदी की कीमत 67,560 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई जो 8 सालों का उच्चतम स्तर है। 9. शिक्षा क्षेत्र में बड़े बदलाव के लिए मोदी सरकार ने नई शिक्षा नीति को दी मंजूरी, एचआरडी का बदला नाम। नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। 10. भोपाल में 29 दिन में एक्टिव मरीज 361 से बढ़कर 2,300 पार, रिकवरी रेट 79.3 से घटकर 56.53 पर आ गया।